All right, sorry for the interruption. So my PC से इतना login हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे recording की भी कुछ problem हो रहा है. So hopefully I am audible to all of you. हम ये बात कर रहे थे कि last time तक हमने spanning tree के बारे में sorry last time तक integrated graph में जो है हम बातें discuss all of you for that. Okay, so we have to start spanning trees today. What is a spanning tree? And then we'll talk about okay, what are minimum spanning trees. So a spanning tree is actually a subset of a graph which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. Kam se kam edges se agar humare paas tamam ke tamam ग्राफ की वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो जाएं, ये ग्राफ व्हिच इज ऑब्वियसली अ कनेक्टेड ग्राफ था और मैंने उसमें से कुछ एजेस रख लूं और कुछ एजेस को रिमूव कर लूं, यानी मैं कम से कम इतने एजेस रखूं कि तमाम का तमाम वर्टिसेस कवर्ड हो, यानी किसी न किसी वर्टिक एज के जरिए से कनेक्ट हो और जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाए, यानी मैं एक वर्टिक्स से बाकी तमाम वर्टिसेस तक पहुंच सकूं with minimum number of edges. तो फिर ऐसे जो है हम ग्राफ को ऐसे ट्री को जो हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, रिमेम्बर हमने बात की थी कि हर ग्राफ जो है वो ट्री होता है, हर ट्री जो है वो ट्री होता है. तो हम ग्राफ के ऊपर एक ट्री बनाएंगे जिसके जरिए से हम क्या करेंगे, कम से कम नंबर ऑफ एजेस के जरिए से तो तमाम के तमाम वर्टिसेस कवर हो जाए. कवर होने का मतलब ये है कि वापस में कनेक्टेड हो. सो इसका मतलब है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर जो है वो कोई साइकिल्स नहीं होगी हमारे पास और इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड और ना ही जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है. राइट, नेक्स्ट आई हैव so by this definition we can draw a conclusion that every connected and undirected graph has at least one spanning tree. ye jitne bhi connected aur undirected graph hai sab un sab ke jo hai wo kam se kam jo hai wo ek spanning tree jo hai wo maujood hoga un sab mein. So a disconnected graph does not have any spanning tree as it cannot be spanned to all its vertices because jo hai wo disconnected hai to hum pe ye baat hi kehte hain ke jo hai which has all the vertices covered. So a disconnected graph hoga to jo ki sabse jo hai tamam tamam vertices covered nahi ho payenge hamare paas. All right, so next for weighted graph, यहाँ तक तुमने बात कर ली थी spanning tree क्या होता है और to be exact I am again saying spanning tree हमारे पास जो है वो graph के ऊपर हम एक tree बनाएंगे, with minimum possible number of edges जिसके जरिए से जो है मेरे पास तमाम के तमाम vertices cover हो जाए. तमाम के तमाम vertices cover होने का मतलब ये है कि तमाम के तमाम vertices आपस में connected हो जाए, यानी obviously एक connected graph के ऊपर ही हम ये बना सकेंगे, लेकिन हम कुछ edges रखें और कुछ edges को रिमूव कर दें. फॉर इंस्टेंस मैंने ये बात की थी कि हम इसके अंदर ये वाला एज रख लिया, ये एज रख लिया, ये एज रख लिया और जो है बाकी ये वाले एजेस जो है रिमूव कर दिए. यहाँ पे मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, ये और ये एजेस ना भी रखूँ तब भी ये ग्राफ क्या है वो आपस में तमाम वर्टिसेस कनेक्टेड होंगे, यानी जो है मैं किसी भी एक वर्टेक्स से बकिया तमाम वर्टिसेस तक पहुंच सकता हूँ. और स्पैनिंग ट्री कब कहलाएगा ये ट्री, के जब मैं ऐसा एजेस सेलेक्ट करूँ जिनसे कम से कम एजेस से तमाम के तमाम ये नोड्स जो है वो आपस में सेलेक्ट हो जाए विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. अगर ऐसा करते हैं तो हम ऐसे ट्री को स्पैनिंग ट्री कहते हैं. राइट, सो आई वांट एनी ऑफ यू
ये जो है कोई एक मुझे रिपीट कर दे स्पेलिंग ट्री आप लोगों के क्या समझ में आया, सो दैट कि आगे जो टर्म्स आ रही है वो इसी सारी कनेक्टेड है। आई वांट कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए तभी हम आगे चल सकते, तो वरना ऐसा ना हो मैं आप बहुत आगे चले जाऊँ क्लियर नहीं होंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी स्पेलिंग ट्री मैं चाहता हूँ कोई एक स्टूडेंट रिपीट कर दे व्हाट आपने क्या समझा कि स्पेलिंग ट्री क्या है। यस एनी स्टूडेंट अब्दुल मुईज मौजूद है यहाँ पे 8459। मैं आप सब कॉडियबल तो हूँ ना, राइट चैट पर बता रहे। यस सर माइक खराब है। ओके सो ओके राइट सो दानियल आकिफ रिपीट कर दो। दानियल खुद ही रिपीट कर दे बजाय आकिफ को कहने के। आपके क्या समझ आया दानियल व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? हमने स्पैनिंग ट्री क्या समझा है? वॉइस में हो तो ज्यादा अच्छा है ताकि सबको आवाज चल जाए, हम बजाय चैट देख लीजिए। ओके दानियल अभी आए हैं जी। अनीस अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग काइंडली वॉइस इसको समझने की कोशिश करें और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताएं। सो स्पैनिंग ट्री क्या है कि हम ग्राफ के ऊपर ऐसे वर्टिसेस को सेलेक्ट करें जिसके नतीजे में मैं कम से कम ऐसे एजेस को सेलेक्ट करें जिसमें मैं कम से कम एजेस से पूरा मेरा ग्राफ कनेक्ट हो जाए। फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने यहाँ पे ये बात की थी कि हम जो है वो कुछ ऐसे एजेस को आपस में सेलेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस मैं जो है वो एक ये वाला एज सेलेक्ट कर लूँ, एक ये वाला एज सेलेक्ट कर लूँ, एक ये वाला एज, वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज सेलेक्ट। Therefore, हमने कुछ एजेस जो है वो इसका मतलब सेलेक्ट नहीं भी किए हैं। फॉर इंस्टेंस वो कौन कौन से एजेस है, मैं यहाँ रेड से मार्क कर लेता, हमने ये एज सेलेक्ट नहीं किया, 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 इवन ये एज। तो इस ग्राफ के अंदर टोटल जो है मेरे पास अगर मैं एजेस की तादाद की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एजेस थे और आउट ऑफ दैट 11 एजेस वी हैव सेलेक्टेड ओनली द ग्रीन एजेस दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आउट ऑफ दैट 11 एजेस वी हैव ओनली सेलेक्टेड दीस 6 ग्रीन एजेस और इन ग्रीन एजेस की मदद से मेरे पास क्या हुआ, मैं हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच जाता हूं। फॉर एग्जांपल जो है मैं एच एन एल से एल ए एक्स और एल ए एक्स से एफ एफ ओ, एफ एफ ओ से ओ आर डी, ओ आर डी से जो है PVD और PVD से जो है MIA, मुख्तलिफ सिटीज के जो है वो सिटी कोड्स है, तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। देयरफॉर जो है मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक ये ट्री बनाया है जिसके जरिए से तमाम के तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा चूंकि मैंने ये कम से कम एजेस से बनाने की कोशिश की, यानी इससे कम एजेस से मैं कोई ऐसा ट्री नहीं बना सकता जिससे तमाम के तमाम वर्टिसेस कनेक्ट हो जाएं। हमें एक हाँ एज और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जो मैं एक जो है वो यहाँ पे मिस कर गया। फॉर इंस्टेंस एक ये एज भी जो है मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पीवीडी से एलजीए, क्योंकि ये एलजीए नोड नहीं हो जाए वो अनकनेक्टेड थी। राइट सो वी हैव सीन दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो नहीं शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेना साइम सॉरी प्राइवेट के बजाय हम ग्रुप चैट कर लिया करें सो दैट जो है वो सबके सामने सवाल भी आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है साइम सॉरी, हम ये बात कर रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है। राइट पहले तो हम ट्री की बात कर लेते हैं, हमने ये बात पहले से सीखी हुई है। ट्री क्या होता था, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल्स मौजूद था। राइट सो इसका मतलब है ये ग्राफ मौजूद था जिसके अंदर यकीनन साइकिल भी मौजूद थी। साइकिल कौन कौन सी थी मैं फिर से हाईलाइट कर दूं। फॉर इंस्टेंस एस एफ ओ एल ए एक्स ओ आर डी मिलकर जो है ये एक ग्राफ के अंदर साइकिल बना रहे थे। सो तो हमने ट्री बनाना, ट्री का मतलब जैसे साइकिल नहीं होंगी, हमने कुछ एजेस सेलेक्ट किया और कुछ एजेस को सेलेक्ट नहीं किया और जिन एजेस को हमने सेलेक्ट किया हम ये बात कर रहे हैं ऐसे एजेस सेलेक्ट किए
जिससे तमाम के तमाम नोड्स जो हैं वो मेरे पास कनेक्टेड हो जाएं। ऐसे एजेस अगर मैं सेलेक्ट करूं जिनसे तमाम के तमाम नोड्स कनेक्टेड हो जाएं, सो और कम से कम एजेस हो जाएं, तो ऐसे ट्री को जो है फिर हम स्पैनिंग ट्री कहना शुरू करते हैं। ऐसे ट्री को देन हम जो है वो स्पैनिंग ट्री कहना जो है वो शुरू कर देते हैं। राइट राइट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास? जी, मेरी आवाज होपफुली आप सबको आ रही है? यस सर, यहाँ तक कोई इशू नहीं। यहाँ तक कोई इशू नहीं? ऑलराइट, गुड। ऑलराइट, सो इसका मतलब है स्पैनिंग ट्री ऐसा ट्री है ग्राफ के ऊपर जिसमें कम से कम एजेस से जिसमें मैं कम से कम एजेस से तमाम वर्टेसेस को कवर कर लूं, कवर करने के बाद कनेक्ट कर लूं। तो हेंस स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल्स एंड इट कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड इवन। राइट, सो दैट्स बाय दिस असम्पशन वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट एवरी कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। पर वो कनेक्टेड होगा तो कम से कम उस पर एक स्पैनिंग ट्री बनाया जा सकता है। स्पैनिंग ट्री अगेन क्या है, कम से कम एजेस। हो सकता है मैं, मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 10 एजेस है, मैं 5 एजेस की मदद से एक स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। सो एक ट्री मैंने बनाया जिससे एक रास्ता बनाया जिसके जरिए से एक ट्री बना और तमाम की तमाम वर्टिसेस कनेक्ट हो गए विद 5 एजेस। हो सकता है कि मेरे पास एक और कोई नया ट्री मौजूद है जिसमें कुछ और मैं एजेस सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन उन एजेस की तादाद अभी भी 5 ही बनती है टोटल और सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, तो उसके अंदर इसका मतलब है वो एक और स्पैनिंग ट्री होगा। और जो है कुछ तो एक ग्राफ के ऊपर मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज भी मौजूद हो सकते हैं। स्पैनिंग ट्री का मतलब अगेन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो। देयरफॉर मेरे पास एक से जायद स्पैनिंग ट्रीज मौजूद हो सकते हैं, एक से जायद स्पैनिंग ट्रीज एक ग्राफ के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। और अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो कम से कम एक स्पैनिंग ट्री तो उसमें मौजूद ही होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है तो कम से कम एक ट्री होगा। वो मिसाल मे बी 8 एजेस से बन रहा हो, 7 एजेस से, 5 एजेस से बन रहा हो, लेकिन जो एक स्पैनिंग ट्री होगा जिससे तमाम के तमाम जो है वो वर्टिसेस कनेक्टेड होते हैं। अ डिसकनेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एनी स्पैनिंग ट्री एज इट कैन नॉट बी स्पैन टू ऑल इट्स वर्टिसेस। ऑब्वियसली इट्स अ डायरेक्ट थिंग कि अगर कोई ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसका जो है कोई मेरे पास स्पैनिंग ट्री नहीं होने वाला, बिकॉज जो है वो कुछ डिस्कनेक्टेड जो वर्टिसेस हैं वहां तक पहुंचे नहीं जा सकते, पहुंचे नहीं जा सकते, तो ये सब ट्री नहीं बना सकते। एक्चुअली वी हैव वुड हैव डन सेट ऑफ ट्रीज जिसको हम आगे देखेंगे फॉरेस्ट करना शुरू करते हैं। ओके, सो स्पैनिंग ट्री की हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर अनवेटेड ग्राफ। फॉर अनवेटेड ग्राफ, फॉर वेटेड ग्राफ वी यूज द टर्म मिनिमम स्पैनिंग ट्री। राइट, मिनिमम स्पैनिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उससे पहले थोड़ी सी हम टोटल कॉस्ट क्या होती है ग्राफ की इसकी बात कर लेते हैं, देन वी वुड रिटर्न टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो फॉर अ वेटेड कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्राफ इज द सम ऑफ द वेट्स ऑन ऑल इट्स एजेस। तमाम एजेस के कॉस्ट या वेट्स के सम को हम उस ग्राफ की टोटल कॉस्ट है, किसी भी ग्राफ की टोटल कॉस्ट क्या होती है, इसके जितने भी एजेस हैं उनके वेट्स का मैं सम कर लूं, जितने भी एजेस हैं उनके वेट्स का सम कर लूं। कॉन्स्टेंट ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ इस टोटल ग्राफ की आपको कॉस्ट कहा जाए तो इस टोटल ग्राफ की कॉस्ट क्या होगी, 255 प्लस 337 प्लस 1843 प्लस 1741 प्लस 1233 प्लस 802 प्लस 1387 प्लस 1120 एंड ऑल दैट थिंग। हम तमाम के तमाम वेट्स को अगर सम अप कर ले तो वी वुड से कि इस ग्राफ की टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी है, यानी इन तमाम के वेट्स का सम, तमाम एजेस के वेट्स का सम। राइट, सो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्राफ। नाउ लेट्स लुक एट द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री और सिंपली द मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ दैट हैज द लीस्ट टोटल कॉस्ट। राइट, स्पैनिंग ट्री में हमने क्या बात की थी, नंबर ऑफ मेरे पास जो है वो एजेस मिनिमाइज्ड हो जाए, नंबर ऑफ एजेस मिनिमाइज हो जाए जिससे तमाम ग्राफ कनेक्टेड हो जाए। अब फॉर अ वेटेड ग्राफ ये जरूरी नहीं है मेरे पास के एजेस मिनिमाइज्ड हो, हम क्या कह रहे हैं टोटल कॉस्ट उस ग्राफ की जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाए, या टोटल कॉस्ट उस ट्री की, मैं ग्राफ के ऊपर ऐसे एजेस सेलेक्ट करूं, मैं ग्राफ के ऊपर ऐसे एजेस सेलेक्ट करूं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हमने जो एजेस सेलेक्ट किए थे उन एजेस की मदद से जो है हो सकता है कि मेरे पास
स्पैनिंग ट्री तो बन रहा हूँ लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना बन रहा हूँ. मिनिमम स्पैनिंग ट्री नंबर क्या होता था मेरे पास, ऐसा स्पैनिंग ट्री जिससे जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो मेरे पास जो है वो कम से कम आ जाए. सो राइट, सो मेरे पास कॉस्ट क्या होगी, अब मैं इस ग्रीन वाले एजेस के ऊपर जो वेट्स लिखे हैं उन सबका सम कर लूँ. फॉर एग्जाम्पल 1205 + 849 + ऑल दैट थिंग कि मैं सारे जो एजेस हैं प्लस 849 + 142 + 802 + 184 + 367 + 2555 इन सबको सम कर लूँ तो ये इस ग्राफ की टोटल कॉस्ट आएगी. हो सकता है कोई और पाथ मेरे पास ऐसा मौजूद हो, कोई और मैं एजेस ऐसे सेलेक्ट करूँ जिससे मेरी कॉस्ट ये इससे ज्यादा कम हो जाए. तो इसका मतलब है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है बल्कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होगा जिसकी ऐसा ट्री मैं सेलेक्ट करूँ इस ग्राफ के ऊपर जिससे जो है मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए. राइट, सो हमने टोटल कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं. सो अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री और सिंपली वी वुड से अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर ग्राफ इज अ दैट हैज द लीस्ट टोटल कॉस्ट. स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ अगेन वो होगा तो स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मेरे पास कम से कम एजेस से तमाम के तमाम मैं वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लूँ. लेकिन ऐसा स्पैनिंग ट्री होगा यानी एक ग्राफ के ऊपर अगर तीन स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं, दो तीनों पांच पांच एजेस की मदद से बन रहे हैं, तो वो वाला स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगा फॉर वेटेड ग्राफ के जिसके अंदर मेरे पास टोटल कॉस्ट उस ट्री की कम से कम होगी. मिसाल के तौर पर पांच एजेस की मदद से एक ट्री बन रहा है, एक स्पैनिंग ट्री बन रहा है जिसकी जो है वो कॉस्ट लेट्स से मेरे पास सम ऑफ दैट कॉस्ट जिसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ ट्री कहते हैं वो लेट्स से जो है 50 आ रही है. और फिर एक और स्पैनिंग ट्री मौजूद है जो अगेन पांच एजेस की मदद से बन रहे हैं और उसकी कॉस्ट 45 आ रही है. एक और स्पैनिंग ट्री मौजूद है जो अगेन पांच वर्टिसेस से बन रहा है. अगर छह वर्टिसेस से बन रहा होता तो ये स्पैनिंग ट्री भी ना होता क्योंकि पांच वर्टिसेस से हमारे पास जो है पांच एजेस से, अगर कम से कम एजेस की हमने बात की स्पैनिंग ट्री के लिए, तो अगर छह एजेस से कोई होता और इसकी कॉस्ट जो है लेट्स से इवन 35 भी होती तो ये मेरे पास स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाता. स्पैनिंग ट्री के लिए क्या है, कम से कम एजेस. तो कम से कम एजेस से मेरे पास जो है वो लेट्स से हमने देखा था पांच एजेस से बन रहा था, तो पांच एजेस वाले में जो मिनिमाइज कॉस्ट होगी वो एक्चुअली मेरे पास मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहलाएगा और जस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम उसे कह रहे होते हैं. So there may be several minimum spanning trees of the same weight. In particular, if all weights are the same, every spanning tree is minimum. So, एक ग्राफ के ऊपर हमने बात की थी बहुत सारे spanning trees हो सकते हैं और बहुत सारे minimum spanning trees भी हो सकते हैं. यानी ऐसे trees बन रहे हैं जो पांच पांच edges की मदद से ही बन रहे हैं और इन सब की cost 50-50 है, तो सारे के सारे minimum spanning trees है. और अगर तमाम edges की कॉस्ट या वेट अगर सेम होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जितने भी स्पैनिंग ट्रीज होंगे वो सारे के सारे होंगे क्योंकि तमाम एजेस की कॉस्ट सेम है. तो अगर पांच एजेस हैं, पांचों एजेस की कॉस्ट जो है वो 5-5 है, तो 5 × 5 मेरे पास 25 जो है वो टोटल कॉस्ट होगी मैं किसी भी स्पैनिंग ट्री से गुजरू, तो तमाम के तमाम स्पैनिंग ट्री मेरे स्पैनिंग ट्री होंगे. लेकिन अगर तमाम एजेस की कॉस्ट जो है वो डिस्टिंक्ट हो, वेट डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, हर एक का वेट डिफरेंट हो, एक 4 है तो दूसरा 5 है, दूसरा 6 है और चौथा 7 है, हर एक डिफरेंट हो, तो हमारे पास सिर्फ जो है वो एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. रिमेंबर वी कुड हैव मेनी स्पैनिंग ट्रीज ऑन अ ग्राफ बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री उनमें से कोई एक ही होगा जिसकी जो टोटल कॉस्ट कम से कम होगी. सो वी हैव डिस्कस व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री, देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और हमने ये कुछ पॉइंट देखे कि अगर हमारे पास जो है वो तमाम वेट सेम होंगे तो हर स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, अगर तमाम वेट डिफरेंट होंगे तो हर स्पैनिंग ट्री जो है वो तो सिर्फ एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास ग्राफ में मौजूद होगा. नहीं तला जाए आज क्विज नहीं होगा, वी विल टेक क्विजेस आफ्टर 10th ऑफ अप्रैल एज अवर पॉलिसी ऑफ आवर डिपार्टमेंट. राइट, सो आई वांट यू गाइस अगेन एक्सप्लेन दिस थिंग व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ सो दैट आई वुड मेक श्योर कि बाकी आप लोगों को कुछ ना कुछ आप बात को हासिल कर पा रहे हैं. दानियल अब तो आप मौजूद थे जी, दानियल कुछ बताना चाहेंगे हमें? 8161 दानियल दानियल तक मेरी आवाज जा रही है. ओके, आई वॉन्ट आप लोग खुद बता दें, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं. कोई एक स्टूडेंट जो है आगे बढ़ के बता दे कि अब तक क्या बात
हम समझ सके क्या स्पैनिंग ट्री क्या होता है, देन मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। दानियल के पास माइक नहीं है। ओके कोई और स्टूडेंट? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो आपका बेसिकली ये है कि लोएस्ट कॉस्ट लिस्ट की होगी, जिस स्पैनिंग ट्री की होगी वो आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। जो एजेस आपने कनेक्ट की हैं उसमें जो लोएस्ट कॉस्ट की बन रही होगी, टोटल लोएस्ट कॉस्ट बन रहा होगा, वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। राइट, ओके, इट्स फाइन कि हमारे पास जो है वो ऐसा स्पैनिंग ट्री, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे स्पैनिंग ट्री, तो फर्स्ट आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज स्पैनिंग ट्री। एक्चुअली सो स्पैनिंग ट्री ग्राफ के ऊपर ऐसा ट्री होता है, ट्री इज सेट ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस, ऐसा ट्री जिससे मैं कम से कम एजेस से तमाम वर्टिसेस कवर हो जाए, तमाम वर्टिसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाए, एज वी हैव सीन इन द डेफिनेशन। राइट, सो इसको हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं कि तमाम वर्टिसेस जो है वो कवर हो जाए। नाउ आई हैव टू डिफाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो हम कह रहे हैं ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी, जैसे आपने कहा तलहा नाम है आपका, हमारे पास जो मैंने एजेस सेलेक्ट किए हैं उनका वेट्स का सम करूं तो वो कम से कम मेरे पास सम आए, इस तरह ऐसा स्पैनिंग ट्री। यानी ग्राफ के ऊपर मैंने सैंपल जो है वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ, मैंने 7 एजेस की मदद से, हो सकता है कोई और मैं जो है वो स्पैनिंग ट्री बना सकूँ, मैं बल्कि बनाता हूँ। राइट, so that we can understand, and then jo hum algorithms ki taraf chale jayenge, main chahta hu ki pehle ye kuch na kuch concept jo hai wo behtar taur pe, main ek spanning tree bana raha hu red edges ki madad se na, and you have to count ki kitne edges maine select kiye. Right, so I have selected 1 2 3 4 5 6 or 7, ये एक स्पैनिंग ट्री है, 7 एजेस की मदद से कम अज कम जो है मैं आपस में साइड नोड्स को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, मैं एक और स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ विद सम डिफरेंट कलर, लेट मी यूज रेड कलर, सॉरी रेड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेट मी यूज ग्रीन कलर। ओके, अब मैंने एक नोड ये सेलेक्ट की और ये फिर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे, और मैंने एक ये सेलेक्ट कर ली सो देट ये कनेक्टेड हो जाए। It's 1 2 3 4 and 5, and 6 and 7, right? Maybe I can use this one. So green से जो है ये भी एक actually 7 ही edges हमने जो है वो select किए हैं, जो green से मैंने जिन्हें red वाले चाहे मैं 5 को इस्तेमाल करूँ तो उसमें भी 7 edges आते हैं, और मैं green वाले को चाहे इस्तेमाल करूँ इसमें भी 7 ही edges है, और तमाम के तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो गए क्या? लेट मी चेक दिस थिंग, ये मैंने एक एज जो है ना वो गलत बना दिया, उसको जो हमें रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस ये कनेक्ट हो चुका था तो यहाँ ये बनाने की जरूरत नहीं थी। राइट, तो अभी भी ये 7 है, ये 2 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज और दोनों के दोनों स्पैनिंग ट्रीज है, बिकॉज मैं 7 एजेस की मदद से बना पा रहा हूँ। लेकिन इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा ट्री कहलाएगा जिसकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी? जैसे इसकी कॉस्ट क्या है, 255 प्लस 337 प्लस 1843, यहाँ पे जो एज सेलेक्ट किया मैंने उसकी 1233 है, तो यहाँ पे सेम एज सेलेक्टेड है, यहाँ पे 1120 वाला एज सेलेक्ट है और यहाँ पे 1099 वाला एज सेलेक्ट। तो अगर मैं ग्रीन वाले जितने एजेस हैं इनकी टोटल सम कर लूं और रेड वाले जितने एजेस उनका सम कर लूं, इसमें से जिसका टोटल कॉस्ट जो है वो कमाएगी वो ट्री मेरे पास जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। ऑल्दो दोनों के दोनों स्पैनिंग ट्रीज हैं कि दोनों के दोनों 7 एजेस की मदद से ही बन रहे हैं, कि इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो कहलाएगा जो जो है मेरे पास, फॉर इंस्टेंस जिसकी कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम होगी। राइट, मैं इस ग्राफ के ऊपर एक और ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी यूज ब्लू कलर, और आपने बताना है क्या वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो इट यूजेस दिस एज देन दिस एज 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7, राइट? तो क्या तमाम के तमाम नोड्स इस ब्लू वाले से कनेक्ट हो गए? लेट अस चेक, HNL से LAX, LAX से DFW कनेक्टेड है,
और SFO connected नहीं, SFO connected नहीं, SFO connect करने के लिए मुझे जो है भाई call edge देना पड़ेगा, और अब अगर मैं blue वाले edges का count करूँ तो blue वाले edges 1, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7 और 8 हो गए, तो क्या ये minimum spanning tree कहलाएगा मेरे पास? नहीं सर, ये minimum spanning tree इस वजह से नहीं हो सकता because ये spanning tree नहीं है, क्योंकि हम जो spanning tree बना रहे थे वो 7 edges की मदद से बना रहे थे, क्योंकि ये spanning tree ही नहीं है, इसमें तो 8 edges cover हो गए, although connected है, ये span कर रहा है तमाम vertices को, SFO को भी हमने connect कर लिया, लेकिन ये spanning tree नहीं है, एक tree जरूर मौजूद है, spanning tree के लिए number of edges minimize होने चाहिए, तो number of edges यहाँ पे minimize ही नहीं है, तो हमारे पास मैं इसको क्योंकि spanning tree नहीं है, जब spanning tree नहीं है, तो इसको अगर ये minimum spanning tree भी नहीं होगा, right? Hopefully you are getting the concept. हालांकि अगर किसी केस में जैसे इस केस में भी मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, इस वक्त ना हो लेकिन पॉसिबल जरूर है कि मेरे पास जो है वो इस वाले जो ब्लू से हमने ट्री बनाए इसकी हो सकता है टोटल कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो जाए, हो सकता है इसकी टोटल कॉस्ट ये ग्रीन वाले ट्री से और रेड वाले ट्री से दोनों से कम आ जाए, लेकिन फिर भी स्पैनिंग ट्री तो नहीं है, चूंकि ये स्पैनिंग ट्री नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, राइट? So hopefully you are getting the concept. So हम जो है वो आगे बस बात कर लेते हैं. So we actually need are aiming to create an algorithm or to design an algorithm. Actually हम नया कोई design नहीं करने वाले. पहले से design है, हम तो उसको understand और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. So we want to study an algorithm which can find a minimum spanning tree on a graph, and we are seeing what is actually minimum spanning tree. और उसको यूज करने के लिए हम जो है वो ग्रीडी एल्गोरिथम की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीडी एल्गोरिथम टेक्निक क्या होती है साथ साथ हम उसको सीखेंगे भी. सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर. फॉर इंस्टेंस वी वांट टू बिल्डिंग अ केबल नेटवर्क दैट जॉइन एन लोकेशंस विद मिनिमम कॉस्ट, यानी अब मेरे पास जो लोकेशंस हैं वो एक्चुअली वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ है, और मुझे अब इनके दरमियान आपस में नेटवर्क केबलिंग करनी है, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉस्ट की मदद से, इसका मतलब क्या, कम से कम वायर की मदद से मैं आपस में सारी की सारी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दूँ, राइट? सो आई एक्चुअली नीड टू ड्रॉ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑन दैट ग्राफ, जो मेरे पास वर्टिसेस है आपस में, मैं जहाँ जहाँ केबल लगा सकता हूँ वो एक्चुअली पॉसिबल एजेस मेरे पास होंगे, और उनमें से मैं कौन से एजेस सेलेक्ट करूँ, यानी किन किन को आपस में केबल के जरिए से कनेक्ट करूँ, तो दैट मेरे पास केबल की कॉस्ट मिनिमम आ जाए, नहीं मैं कम से कम केबल्स की तादाद से ही मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट? सिमिलरली वी कुड हैव अदर, इसके मतलब अब आपको ये जब देखने वाले और बहुत सारी बातें जो है उसे हम आ जाएंगे, जैसे कहाँ कहाँ ऐसा बिल्डिंग अ रोड नेटवर्क दैट जॉइन एन सिटीज विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रोड बिल्डिंग कॉस्ट और मे बी द डिस्टेंस कॉस्ट जो है कम से कम रख के मैं जो है रोड नेटवर्क बना रहा हूँ. Obtaining an independent set of equations for an electrical network pattern recognition के लिए जो है spanning trees can be used to find noisy pixels as well. So हमारे पास हमने पहले भी discuss किया था graph हर network की application के अंदर हमारे पास graph model arise हो जाता है, और उन graph के जो हम problems को उन problems को network के problems को solve करने के लिए we need algorithms to solve different problems of graph points. हमने मेरे पास spanning trees के problem को solve, right? So someone may create some other application in this, some other applications as well here. Meeting end होने वाली. Okay. हमने वैसे यार बहुत late ही start कर चुके हैं, तो अब break की I don't think की ज़रूरत कोई है. So break आप लोग I suggest कि yes Daniel भी करें no break. Because we have just started, so अभी तो pace हमारा शुरू है. We can just take a minute break so that कि हम reconnect हो जाएं आपस में. Right, so ठीक है. मैं इसको जो है वो दोबारा से reconnect कर लेता हूँ. आप सब लोग भी reconnect हो जाएं so that we reconnect.